नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा एमएड एमएससी एलएलबी आदि विषयों की प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। किस विषय की प्रवेश परीक्षा कब होगी और इनके एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में जिन विषयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होते हैं, उनका यहां पर एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीएससी बायोटेक की प्रवेश परीक्षा 14 सितंबर 2020 मंडे को प्रातः 8 बजे से 10 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। एमएससी एमएलटी सीबी एमआई पी दो इनकी जो प्रवेश परीक्षा है वो 14 सितंबर 2020 को प्रातः 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। एमपीएड की प्रवेश परीक्षा भी 14 सितंबर 2020 को प्रातः 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। बीपीटी बीएमएलटी बीएमएम इन विषयों की जो प्रवेश परीक्षा है वह भी 14 सितंबर 2020 को अपराह्न 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। बीपीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वह भी 14 सितंबर 2020 को 12 बजे से 2 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की प्रवेश परीक्षा 14 सितंबर 2020 को 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। एलएलएम की प्रवेश परीक्षा 14 सितंबर 2020 को ही 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। बीबीए में एडमिशन लेने के लिए यहां पर एंट्रेंस एग्जाम जो है 14 सितंबर 2020 को ही आयोजित किया जाएगा और 12 बजे से 2 बजे तक इसका टाइम रहेगा। बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए 14 सितंबर 2020 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बीसीए में एडमिशन के लिए भी 14 सितंबर 2020 की तिथि निर्धारित की गई है और यहां पर भी 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए यहां पर जो प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी उसके लिए 15 सितंबर 2020 का दिन रखा गया है और प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमएड की प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर 2020 को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य आयोजित कराई जाएगी। डी फार्मा की प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर 2020 को कराई जाएगी और इसके लिए भी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बीए एलएलबी की जो प्रवेश परीक्षा है वह 15 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी और इसके लिए 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। एमबीए में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर 2020 को किया जाएगा और इसके लिए भी 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इसमें एडमिशन लेने के लिए 15 सितंबर 2020 को एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराया जाएगा और इसके लिए भी 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है www.kanpuruniversity.org की साइट पर। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यदि आप इस साइट को मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें। तो यहां पर जब आप इस साइट को गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो आपको यहां पर कोने में 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ये डॉट्स आपको नीचे भी दिखाई दे सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहां पर एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट, इसके ऊपर आपको टिक कर लेना है। तो ये जो आपकी वेबसाइट है ये ठीक ऐसे ही खुल कर आ जाएगी जैसे कि आपके कंप्यूटर में खुलती है। कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की स्कीम दी हुई है, इस पर क्लिक करने के बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ये लिंक दिखाई दे रहा है, एडमिट कार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2020, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और इस पेज पर पहुंचने के बाद भी आपको क्या करना है, इस साइट को डेस्कटॉप मोड में खोल लेना है। डेस्कटॉप साइट में खोलने के बाद में देखिए इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पर किन किन विषयों की प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी थी उन सभी का वर्णन नीचे दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड खुलकर आ जाएगा और उस एडमिट कार्ड में डेट टाइम और स्थान भी दिया हुआ होगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तब आपको क्या करना है, तो इसके लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद में यहां पर आपको कोर्स का सिलेक्शन कर लेना है। तो मान लीजिए मुझे यहां पर एमएड का सिलेक्शन करना है तो एमएड का सिलेक्शन कर लेता हूं। इसके बाद में आपको यहां पर स्टूडेंट नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको भर देना है और भरने के बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जिस नाम से आप सर्च कर रहे हैं उस नाम से जितने भी लोगों ने यहां पर आवेदन किया है सभी की लिस्ट आप
आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको अपना नाम देख लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर लिख कर रख लेना है, और बैक टू एडमिट कार्ड पर जाने के बाद में आप पुनः अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।